हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है ये आई है अशोक लीलैंड की दोस्त। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और इसका इंजन आप देख सकते हो, इंजन जो है इसका वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि गाड़ी प्रॉपर हमारी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन गाड़ी में पिकअप नहीं हो रही है और इंजन जो है इसका वाइब्रेट कर रहा है और गाड़ी का साउंड भी जो है वो सही नहीं है, जैसे कि आप वीडियो पर देख पा रहे हो। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में हमें क्या प्रॉब्लम मिली और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डिजी स्कैन टूल, इससे हम स्कैन करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक्टिव फॉल्ट कोड में। ये आप देख सकते हैं इसमें इंजेक्टर सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 2 का दिखा रहा है कि ओपन सर्किट। तो एक बार हम क्लियर फॉल्ट कोड कर लेते हैं और दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करके हम चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फॉल्ट कोड इसमें हिस्ट्री में थे। तो ये हमने क्लियर फॉल्ट कोड कर लिया, अभी कोई एरर नहीं है। दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हो स्टार्ट तो दोबारा हमारी गाड़ी हो गई। गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई है, इसमें फॉल्ट कोड देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड इसमें सिलेंडर नंबर 1 ओपन सर्किट आ रहा है। तो सिलेंडर नंबर 1 का हमने रिटर्न पाइप खोल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी हम रेस कर रहे हैं और एक नंबर सिलेंडर से रिटर्न फ्यूल नहीं आ रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हो एक नंबर सिलेंडर आपका काम नहीं कर पा रहा। तो हमें प्रॉब्लम जो है वो इसके कपलर में मिली। मैं आपको आगे चेक कराता हूँ वीडियो पे। ये आप देख सकते हो इसमें से अभी रिटर्न जो है वो नहीं आ रहा है, गाड़ी रेस करते हमने इसका कपलर जो है वो चेंज किया और अब आप देख सकते हो कि गाड़ी में से इसका रिटर्न फ्यूल जो है तीनों में से बराबर आ रहा है और अब हमारी गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल सही हो गई है। तो इसका कपलर को हम लगा लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद आपको चेक कराते हैं। इसका फॉल्ट कोड जो है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड हमने क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ये चेक लाइट भी गाड़ी में से चली गई है और तीनों ही सिलेंडर हमारे काम कर रहे हैं और अब जो है गाड़ी का पिकअप भी हमारा सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इसमें किसी भी तरीके का एरर कोड जो है वो अब नहीं आ रहा है और गाड़ी जो है वो अब हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और इसकी चेक इंजन लाइट भी जो है ये आप देख सकते हो ये अब चली गई है। तो गाड़ी जो है वो हमारी प्रॉपर स्टार्ट भी हो रही है और इसका पिकअप भी जो है वो बिल्कुल अब सही हो जाएगा। इसका एक सिलेंडर जो है वो काम नहीं कर पा रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।